हेलो भाई, मैं वंकित। बजाज वाले कुछ नया लाने वाले हैं। टाइटल थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं बता भी देता हूँ, सिटी 125X की बड़ी बहन आने वाली है इंडियन मार्केट में जल्द ही। हर चीज़ बताता हूँ डिटेल में, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, मज़ा भरपूर आने वाला है भाई। प्लीज़ स्किप मत करना, आप लोग स्किप करके चले जाते हो यार, मज़ा सा नहीं आता भाई ये देख के। इसीलिए अगेन बोलना चाहूँगा, स्किप मत करना प्लीज़। बजाज की एक 150cc बाइक को स्पाई किया गया इंडियन रोड्स पे। अब ये गाड़ी पूरी ढकी हुई है, आप फोटो देख सकते हो भाई। इसका डिजाइन तो सिटी 125X जैसा तो नहीं है भाई, लेकिन हाँ इतना जरूर सूत्रों से पता चला है कि ये 150cc गाड़ी है और कम्यूटर गाड़ी है भाई। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, इसका हेडलाइट राउंड शेप का ही है लेकिन अलग डिजाइन का है। साथ ही एलॉय भी देख लो कितना अट्रैक्टिव है इसमें। इसके अलावा मिरर आप देख सकते हो, मिरर ऐसे टाइप का है। इंजन थोड़ा सा दिख रहा है ब्लैक कलर में। अब इंजन ये कौन सा है इसके बारे में आइडिया नहीं है भाई। ये लोग पता है पल्सर 150 वाला भी इंजन दे सकते हैं, N150 वाला भी इंजन दे सकते हैं, या फिर नया भी दे सकते हैं। बाकी इसमें इंजन काउल भी है। इसके अलावा सीट भी आप देख सकते हो ठीक ठाक है। बाकी लेडीज़ के लिए फुटबैग वगैरह दिया ही गया है, पीछे ग्रेवरेल दिया ही गया है। साथ ही हैंडल बार पे जैसे अपने को सिटी 110X या फिर सिटी 125X में पाइप नहीं मिलता है बच्चों को पकड़ने के लिए, ठीक उसी प्रकार इसमें भी दिया गया है भाई। बाकी नंबर प्लेट वैसा ही मत्थे पे ही दिया गया है। बाकी इसमें हैंड गार्ड भी है भाई, जैसे अपने को प्लेटिना 110 में मिलता है। बाकी और कुछ तो नहीं पता चल रहा है भाई। इसमें इंडिकेटर आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इंडिकेटर भी मतलब प्लेटिना जैसा ही दिया गया है। देखो मेरे को क्या लग रहा है ना भाई, विक्रांत जो आया करती थी ना पहले, ये उसी के डिजाइन पे बेस्ड है, मेरे को ऐसा लग रहा है। भले ही नाम सिटी 150X रखे वो बात की बात है, लेकिन विक्रांत जैसा ही डिजाइन होगा भाई, क्योंकि ये वैसी टाइप की मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी लग रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें 14 BHP के आसपास पावर मिलेगा और 13.25 Nm के राउंड अपने को टॉर्क मिलेगा, मतलब वही पल्सर N150 जैसा ही इंजन होगा। अब देखो नया देते हैं या फिर वही देते हैं, इसके बारे में आइडिया नहीं है। ये लोग टेस्ट कर रहे हैं ना भाई, तो एकदम 100% इसमें नया इंजन इन्होंने डाला होगा। क्योंकि अगर पुराना इंजन देते ना तो पुराना इंजन को टेस्ट नहीं करना रहता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टेस्ट हुआ रहता है। तो ये लोग नया इंजन इसमें देंगे भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी ब्रेक्स वगैरह इसमें अपने को सिंगल चैनल ही मिलेगा, ड्यूल डिस्क का ऑप्शन मिल सकता है। इसका प्राइस देखो, अंदाजा मैं अगर आपको बताऊं, सूत्रों से तो पता नहीं चला प्राइस इसका कितना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी 120-125 तक ऑन रोड आ जाया करेगी। जैसे इनकी सिटी 125X या फिर 110X जो आती है उसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार इसका भी प्राइस होगा। क्योंकि इसमें अपने को मीटर कंसोल जो मिलेगा डिजिटल नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि सिटी 125X में भी डिजिटल नहीं आता है, साथ ही 110 में भी डिजिटल नहीं आता है, तो इसमें भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। बाकी इसमें USB वगैरह मिलेगा ही, 5 गियर मिल सकते हैं, 17 इंच का टायर मिलेगा, ट्यूबलेस टायर मिलेगा। बाकी ये आपकी इंडियन मार्केट में अपाची एक्सट्रीम से तो राइवल नहीं करेगी, मतलब देखो कि ये गाड़ी मेन टारगेट करेगी आपकी यामाहा की FGS, FGX को, इसके अलावा होंडा की SP160 वगैरह को टारगेट करेगी। मतलब ज़्यादा पावरफुल इसमें इंजन नहीं देंगे भाई, जो डिसेंट पावर के साथ गाड़ियाँ आती हैं ना 150-160cc में, उन्हीं के साथ ये गाड़ी राइवल करेगी। बाकी इसके अलावा और कुछ तो अपडेट नहीं मिला है भाई, आपका क्या राय है इस गाड़ी के प्रति मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हाँ, आप कितना एक्साइटेड हो इस गाड़ी के लिए ये बताना, मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। आई होप इसको 2024 के स्टार्टिंग में या फिर मिड तक लॉन्च कर दें इंडियन मार्केट में, क्योंकि गाड़ी तो पूरी रेडी है, बस टेस्ट किया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद।